चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और हम सभी भी अच्छे हैं। और हमारी मम्मी जी सुबह सुबह उठ चुकी हैं और सुबह उठ के मम्मी जी क्या क्या किया आपने? कुछ भी नहीं, मैं क्या करूँगी एक हाथ से एक हाथ से एक वो भी उल्टा हाथ है। तो मम्मी जी अभी चाय वाय पी के अपना टीवी देख रही हैं अपना मस्त। अभी 10-15 दिन की बात हो रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आज 10-15 दिन रह गए ना, 15 दिन रह गए अभी, कोई बात नहीं। 15 दिन में ये कटेगा, फिर उसको गर्म पट्टी बांध, देखो सही हो जाना चाहिए बिल्कुल। एक महीने में तो तीन हड्डी टूट रही थी ना मम्मी, दो तो थोड़ी थोड़ी एक ज़्यादा, दोबारा मत गिरना, बहुत गिरती है मम्मी, डर लगा है। और आज इधर दोस्तों बरसात के मौसम में बनाई जा रही हैं पूरियां, और साथ में क्या बनाया होगा, पूरी के साथ तो आलू ही अच्छे लगते हैं, तो आलू पूरी बन रही है, आलू टमाटर। अब तो टमाटर भी ऐसा होगा शाही सब्जी, सब्जी क्या सैलेड में आता है टमाटर सब्जी तो आलू ही है, लेकिन टमाटर का भाव सब्जियों से भी बढ़ गया है, ये कमाल की बात है। और अब तो हर सब्जी 200 रुपये किलो से कोई कम है ही नहीं, सब्जी ले लो, मिर्च ले लो, टमाटर ले लो, 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो जैसा फिक्स रेट हो गया हो बिल्कुल। और पूरियाँ देखो कितनी अच्छी अच्छी फूलियाँ हैं, देख सकते हैं आप। और ऊपर आप सोच रहे होंगे आवाज़ कैसी है, ये आवाज़ आ रही है हमारी चिमनी की, बहुत आवाज़ करती है ये, पता नहीं इतनी आवाज़ क्यों करती है, ये धुआँ खींचती है ना शायद इस वजह से, इसमें कौन सा मोटर थोड़ी लगी हुई है वैसे। और सब्जी दिखाना पालू कैसी बनी है, या अभी थोड़ी देर रखी रहेगी ऐसी, अब ये पूरी निकाल के पालू दिखाएगी कैसी सब्जी बनी है। पापा ने बनाई है ना वैसे आज तो दोस्तों पापा ने बनाई है ये आलू टमाटर की सब्जी, देखते हैं पापा की सब्जी कैसी निकलेगी। ये देखिए दोस्तों एकदम लाल लाल हो रही है, लाल परी सी, आलू आलू दिख रहे हैं, टमाटर तो इसमें दिख नहीं रही, टमाटर ना अच्छा पीस के गिर रहे हैं टमाटर, साबुत टमाटर नहीं गिर रहे हैं, तो इससे तो बस उनका टेस्ट वेस्ट आएगा। अच्छा पाल पता नहीं क्या बोल रही है, कुछ बोल तो रही है पर आप तक आवाज़ नहीं पहुंचती होगी क्या बोल रही थी पाल? सब्जी में टमाटर दिखते हैं थोड़े ही, सब्जी में टमाटर दिखते नहीं हैं, क्यों नहीं दिखते, दिखते हैं गल जाते हैं। अच्छा गल जाते हैं। तो दोस्तों अक्षिता तो अभी सो रही है, उसके पास जाता हूँ आराम से चुपचाप। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी गुड़िया सोती हुई, चलो इसे सोने देते हैं नहीं तो उठ जाएगी, ये बंद कर देते। और बाहर का मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, बादल हैं, धूप का कोई नामो निशान नहीं है, बारिश वैसे हमारे गांव में होती नहीं है, सिर्फ बादल बादल होते हैं, आते हैं चले जाते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, ओहो क्या मस्त मौसम है ना। तो दोस्तों मैं भी रेडी होता हूँ और निकलता हूँ ऑफिस के लिए, और आगे वो लोग पारुल और मम्मी कंटिन्यू रखेंगी। और अक्षी को मैंने अब सुला दिया है, इसके मुंह हाथ धो के कपड़े बदल दिए थे, आज इसकी तबीयत ठीक सी नहीं है, थोड़ी ख़राब सी हो रही, रात भी इसको बहुत उल्टी लगी, इतना सारा दूध गिर दिया था इसने चद्दर पर, फिर रात में चद्दर चेंज करी बेड की, और रात में इसको नहलाया, फिर रात नहा दिया था इसको दूध गिरने की वजह से, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा दूध गिर दिया था, इसकी नाक में को मुँह में को दूध ही दूध आया बहुत सारा, और इसका सिर वीर सब इधर से यहाँ पे गिरा ना, ऐसे ही लिट्टी हुई थी, ऐसे लिट्टे लिट्टे इसको एकदम उल्टी लगी, और सारी चादर पे इसके सिर के नीचे सब जगह दूध ही दूध हो गया, सारा सिर गिल्ला हो गया इसको दूध में, ये भी सारी मुँह भी सारा दूध में बंट गया, फिर इसको नवाया मैंने रात में, और ये चादर चेंज करी बेड की, दूसरी बिछड़ी थी ना पहला, फिर ये वाली बिछाई रात को, और इसलिए आज ने इसको नहलाया, आज तो इसके कपड़े ऐसे ही बदल दिए मुँह हाथ धो के, क्योंकि इसके हथेली भी तप रही हैं बहुत ज़्यादा, गरम गरम सा हो रहा है इसका शरीर, तो शायद इसे बुखार सा हो रहा हल्का हल्का कुछ तो दांतों की वजह से, और कुछ यहाँ आइसक्रीम वगैरह खा लेती है मे भी नुकसान दे वैसे,
ये मानती तो नहीं, पर फिर अब नहीं खिलाएंगे इसको आइसक्रीम वगैरह कुछ भी। कल इसने आइसक्रीम भी खाई थी तो इस वजह से भी इसकी दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी। अब सोई है, सुबह से बहुत रो रही थी, रोए जा रही थी। अब तो किसी पे भी नहीं रहती है, रोती रहे बस मेरे ही पीछे पड़ी रहे। मैं ही लेकर रखूँ सारे दिन गोद गोद में रहे, ना खेलती ना किसी पे जाती। बाहर तो चली जाओ, बाहर ले जाओ ना कोई घुमाने के लिए, बाहर चली जाओ, लेकिन घर में नहीं खेलती है बिल्कुल भी। रोए रोए जा घर में तो। अब भी रोई रही थी बहुत देर से, फिर सुआई। अब इसको नींद आ गई, अब सोई है ये। आज मैंने वीडियो भी नहीं बनाई कुछ भी, सुबह उन्होंने ही बनाई थी बस। जब तो ये सो रही थी, जब मैंने पूरी पारी बनाई फिर ये उसके बाद ये उठ गई थी। जब तक मैं फिर इसे ही ले रही थी, पोछा भी बहुत लेट लगाया, लगाने ही नहीं दे रही थी। पोछा भी रोए रोए जा रही थी। चलो अब इसे सोने देते हैं, बाहर तो वही बादल से हो रहे हैं। धूप, सुबह धूप निकल रही थी, कपड़े धोए थे जब तब तो धूप थी बहुत, और अब देखो बादल से हो गए। और चादर ग्रिल पे पड़ी है, ध्यान रखना पड़ेगा, बारिश आ गई ना तो सारी भीग जाएंगी। इसलिए मैंने गेट खोल रखा है इधर का, पर्दे पर्दे कर रखे, पता चल जाएगा अगर बारिश आएगी तो। गेट बंद रहे तो कुछ नहीं पता चलता बारिश का। और ये देखिए एकदम से बहुत तेज बारिश आ गई और मुझे अंदर ही आवाज़ आ गई थी। मैं यहाँ बेड पे लेटी थी, गेट खोल रखा था ना तो बारिश की आवाज़ आई एकदम बहुत तेज बूंदे आई। फिर मैंने दमादम में चादर उतारी, ग्रिल पे पड़ी थी, नहीं तो सारी भीग जाती। अभी उतार के अंदर रखा ही उन्हें, ये तो स्टैंड पे है, यहाँ तक तो बारिश नहीं आएगी तो इसलिए इनको नहीं उतारा कपड़ों को। बस मैं ग्रिल पे चादर पड़ी थी मैं उतार लिया है, क्योंकि मैं गिल्ली हो जाती बारिश में, बारिश एकदम बहुत तेज आई। रोज ही आवे बारिश तो, अब रोज ही आवे, कोई दिन जावे हाल तो। कुछ दिन तो लगातार बारिश हो रही, एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन नहीं होती। कल भी सुबह ही सुबह बहुत तेज बारिश आई थी, आज अब आ गई है बारिश बहुत तेज, रोज आई जाए एक दो बार तो तेज बारिश। और दोपहर तो इतनी तेज बारिश हो रही थी, और अब देखो इतनी कड़ी धूप निकल गई, बहुत गर्मी हो रही। और अक्षय अंदर रह नहीं रही थी, ये रोए रोए जा रही थी, इसलिए इसको बाहर ले गई। और बाहर तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा, इतनी गर्मी है। और अंजलि जा रही है अब दूध लेने, आज ऊपर वाली आंटी नहीं गई हैं तो अकेली जा रही है, थोड़ी देर में ही आ जाएगी बस दूध लेकर। यहीं है थोड़ी दूर पे ही दूध वाला। और अब मैं अक्षी को खिला रही हूँ, अक्षी देख रही है कबूतर, देखो हाथ उठा के उड़ाती भी है ये कबूतर को। कबूतर उड़ा दे, उड़ा दे कबूतर, उड़ गया। देखो कबूतर यहाँ बैठा था तार पे, अक्षी ने उड़ा दिया हाथ उठा के। और अब अक्षी खेल रही है अपने खिलौनों से, ये देखो। और अक्षी के पास ये वाली 5 बत्तख थी, 2 ऐसी ब्राउन ही ना खेले इसकी बत्तख है, अब 3 ही रहेगी इसके पास ये। और ये देखो इसे क्या पहना दिया, ब्रेसलेट इसके गले में, टेडी बियर के गले में ब्रेसलेट पहना दिया। फेंक हो जाना ठा ठा के, खेलो खेलो, देखो 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 ये कैसे बोल। अच्छा आ जा मसाले लाए थे भी मारे, और इसको मैं भून रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी, फिर इसको हम पीस के रख लेंगे। और अब इसमें से खुशबू आने लगी। पर बाद में आई अक्षिता को सोने की कोशिश कर रही थी, अक्षिता कहाँ सोए थी, अक्षिता तो सोआ करना सोए। और आज बनाएंगे हम पुलाव, और आज बनेगा पुलाव। उसमें मैंने आलू और शिमला मिर्च डाल दी, टमाटर भी है,
शिमला मिर्च इसलिए डाल दी कुछ खराब हो गया। इन्हें मैं तल लूँगी और फिर भूनेंगे हम प्याज। और इधर ये सारे मसाले काट रखे हैं, लहसुन प्याज हरी मिर्च और ये सारे सूखे मसाले कर लिए एक जगह। और ये आलू और शिमला मिर्च तल के इनको निकाल लेंगे, फिर बाद में पुलाव बनेगा। और ये पुलाव हमारा बनकर तैयार हो गया है और अब हम सब खा रहे हैं दूध के साथ। ये इधर दूध ले आया है साथ में और ये पुलाव इधर मम्मी खा रही है। मैं तो गया की सब्जी के साथ खा रही। मम्मी लौकी की सब्जी रखी थी और इससे खा रही है और उधर अंजलि भी खा रही है और माँ खा रही है अंदर बैठ के। और अक्षी को अभी सुलाया है, थोड़ी देर के लिए सो गई है, वो फिर उठ जाएगी जब मैं आवेंगे। तो अब हम खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए जिसको खानी हो पुलाव।